गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चैप्टर 6। तो 6.3 एक्सरसाइज चल रही थी, उसका हमने 7 सम कर लिया था। आज हम करेंगे 8 का सेकंड पार्ट। 8 सम के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आप खुद करोगे, एज इट इज सेम है। इसमें देखो, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 3 इज कंटिन्यूज एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। हर एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूज है बट नॉट डिफ्रेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। हमें प्रूव करना है ये जो एफ एक्स है, मोड ऑफ x माइनस 3, हमने पढ़ा हुआ है कि मोड फंक्शन होता है हमेशा ही हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूज होता है। हमें सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 3। अब देखो, सबसे पहले हम लेंगे इसकी वैल्यूज बनाएंगे। जब हम x की वैल्यू लेस देन 3 पुट करेंगे, लेस देन 3 पुट करेंगे x की वैल्यू 3 से छोटी, तो जो हमारा फंक्शन है वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस का साइन लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस x माइनस 3, तो ये बन जाएगा माइनस x प्लस 3। जब हमारा x लेस देन 3 है तो हमारा फंक्शन क्या आया, माइनस x प्लस 3 आया। और जब हम x ग्रेटर देन 3 लेंगे, x ग्रेटर देन 3 लेंगे कि x की वैल्यू है 3 से बड़ी होनी चाहिए, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हम एज इट इज़ ले सकते हैं x माइनस 3। और जब x की वैल्यू 3 होगी, जब x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, 0 आएगी। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके और फंक्शन की वैल्यू लेके सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो अब आप देखिए, एक्स जब लेस देन 3 है तो ये हमारा जो फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूज होता है हमेशा। और यहाँ पे जब एक्स ग्रेटर देन 3 है तब भी एक्स माइनस 3 क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूज होता है। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, जब हमारा फंक्शन एक्स लेस देन 3 है तो माइनस एक्स प्लस 3 है। तो यहाँ से लिमिट एस टेंड्स टू 0, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस एच प्लस 3। तो यहाँ से माइनस 3 प्लस 0 प्लस 3, तो यहाँ से हमारी फंक्शन की वैल्यू आई, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, 0 आई। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो हमारा फंक्शन है एक्स माइनस 3 है हमारा फंक्शन। तो यहाँ से देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 प्लस एच माइनस 3। तो यहाँ से 3 प्लस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जो हमारा राइट हैंड लिमिट भी 0 आई। अब फंक्शन की वैल्यू f3 पे क्या है, 0 है। तो यहाँ से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तीनों ही क्या आई, 0 आई। तो ये तीनों इक्वल आई, तो देयर फोर फंक्शन इज कंटिन्यूज एट एवरी x बिलोंग्स टू r। सभी रियल नंबर्स पे जो हमारा ये फंक्शन है कंटिन्यूज होगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, कि जो मोड ऑफ फंक्शन होता है ऑलवेज कंटिन्यूज होता है। तो ये हमने चेक कर दिया। अब हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो देखिए, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 3 बाय एक्स माइनस 3। अब देखो, जब हमारा एक्स लेस देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू आएगी माइनस एक्स प्लस 3 आएगी, तो जो हमारा एफ एक्स वो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 3 होगा। तो एफ 3 क्या होगा, एफ 3 होगा माइनस 3 प्लस 3, यानी कि 0 होगा। तो अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एफ 3 0, तो यहाँ पे एक्स माइनस 3। तो यहाँ से लिमिट
एक्स टेंड्स टू थ्री माइनस, यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस थ्री बचेगा, यहाँ पे एक्स माइनस थ्री, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आया, माइनस वन आया। तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, तो ये माइनस वन था तो ये माइनस का वन ही आएगा, तो हमारे लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव क्या आया, माइनस वन आया। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड डेरीवेटिव, राइट हैंड डेरीवेटिव में लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री प्लस, वही फंक्शन लेंगे एफ एक्स माइनस एफ थ्री बाय एक्स माइनस थ्री, यही लेंगे। अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री प्लस, जब हमारा फंक्शन ग्रेटर देन थ्री है तो हमारी फंक्शन की वैल्यू है एक्स माइनस थ्री, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे एफ एक्स की जगह एक्स माइनस थ्री, एफ थ्री की जगह पे थ्री माइनस थ्री करेंगे, ये फिर से ज़ीरो आएगा और नीचे एक्स माइनस थ्री। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री प्लस, तो यहाँ से देखिए एक्स माइनस थ्री बाय एक्स माइनस थ्री, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो आएगी, तो वन है यहाँ पे, तो ये क्या आया, वन आया। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्यों, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आया और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, प्लस वन आया, तो जब ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू थ्री, तो x x इज इक्वल टू थ्री पे हमारा फंक्शन क्या है, नॉट डेरिवेटिव है, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको ये सम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम, नाइन्थ सम, 6.3 का लास्ट सम है ये, आज हमारी 6.3 यानी कि सिक्स चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, तो आपके जितने भी सम है इस एक्सरसाइज में सभी नोट करें अपनी नोटबुक में। और नाइन्थ सम देखिए, नाइन्थ सम में हमें दिया हुआ शो दैट मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस टू इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू टू, कि जो हमारा फंक्शन है ये वाला फंक्शन हमें दिया हुआ है मोड ऑफ में, और ये हमें प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू टू पे डेरिवेबल नहीं है। तो हम फिर से सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए जब हमारा फंक्शन x लेस देन टू है, जब हमारा फंक्शन x लेस देन टू है तब ये क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखो, जब x की वैल्यू हम टू से छोटी रखेंगे यहाँ पर, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये आएगा x माइनस वन, पॉजिटिव रहेगा। और जब यहाँ पे टू से छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये फंक्शन तो नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे अंदर एक्स माइनस टू, तो ये बनेगा एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट, ये बनेगा वन। इनकी जब हमारी एक्स की वैल्यू लेस देन टू है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन है। अब जब हमारा एक्स ग्रेटर देन टू है तब हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे देखो, जब x ग्रेटर देन 2 लेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 लेंगे तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो हम इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, तो ये 2x माइनस थ्री, तो हमारा फंक्शन बनेगा 2x माइनस थ्री जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेंगे। तो अब हम एट x इज इक्वल टू 2 पे डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में वही लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री माइनस एफ एक्स माइनस एफ थ्री बाय एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ से देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री माइनस, जब हमारे फंक्शन की वैल्यू थ्री माइनस यानी कि थ्री से छोटी है, सॉरी हम टू पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे टू आए, जब हमारी फंक्शन की वैल्यू
टू से छोटी है तो हमारा फंक्शन क्या है, वन है, कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे वन आएगा। अब देखो यहाँ भी टू आएगा क्योंकि हम लिमिट एक्स टेंड्स टू टू माइनस पे चेक कर रहे हैं। अब देखो जब हमारा एफ एक्स वन है क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो एफ टू भी क्या होगा, वन ही होगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे वन आया और एफ टू की वैल्यू भी क्या आएगी, वन आएगी बाय में एक्स माइनस टू। तो यहाँ पे देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू टू माइनस ज़ीरो बाय एक्स माइनस टू, तो यहाँ से क्या बना हमारा फंक्शन, ज़ीरो बना। तो ये फंक्शन ज़ीरो आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा ज़ीरो आया। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट एक्स टेंड्स टू टू प्लस एफ एक्स माइनस एफ टू बाय एक्स माइनस टू, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू टू प्लस पे हमारा फंक्शन क्या रहेगा, टू एक्स माइनस थ्री रहेगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे टू एक्स माइनस थ्री माइनस एफ टू हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे टू पुट करो, टू टू जा फोर माइनस थ्री, तो ये वन रहा और ये एक्स माइनस टू। तो फिर से लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू टू प्लस, तो यहाँ से देखिए टू एक्स माइनस थ्री माइनस वन, तो ये रहा टू एक्स माइनस फोर और ये एक्स माइनस टू। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू प्लस, इसमें से टू कॉमन आ रहा है, तो ये अंदर बच गया एक्स माइनस टू और बाय में एक्स माइनस टू, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो टू, तो ये क्या आया, टू आया। अब देखो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, क्यों, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई ज़ीरो और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई टू। तो हम यहाँ लिखते हैं देयर फोर फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू टू, हैंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव करना था। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर दी, हमारा सिक्स चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।